बीबीसी दुनिया में आज देखिए, टोक्यो ओलंपिक में शोहरत और विवाद। अंत की ओर बढ़ रहे हैं ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक। जानेंगे क्यों रहे रूसी एथलीट चर्चा में, क्या भारत की महिला एथलीट्स ने उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगाई। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। देखेंगे टोक्यो ओलंपिक कुछ खास बातें, मगर हेडलाइंस पहले। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर नई पाबंदियों की तैयारी। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बाहर जाने को लेकर बनेंगे कड़े नियम। वहीं डेल्टा वेरिएंट की वजह से फिलीपींस की राजधानी मनीला में लगा लॉकडाउन। चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने लेबनान से इजरायली ठिकानों पर दागे रॉकेट। इजरायल का दावा, हमले को नाकाम करके किया पलटवार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा तनाव बढ़ना हो सकता है खतरनाक। तालिबान ने किया निमरोज प्रांत की राजधानी जरंज पर कब्जा। हाल के सालों में दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में तालिबान को पहली बार मिली सफलता। वहीं अफगान सरकार के मीडिया चीफ की तालिबान ने की हत्या। मंदिर पर हमले को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा तुरंत हो कार्रवाई। इस बीच डर की वजह से कई हिंदू परिवार कर रहे हैं पलायन। देखेंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। टोक्यो ओलंपिक खेल बस 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये खेल कई मायनों में ऐतिहासिक थे। कोरोना की वजह से दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं थी। मीडिया को कवरेज के दौरान कई किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मेंटल हेल्थ की चर्चा हुई तो रूसी एथलीट्स भी खबरों में रहे। भारत के लिए ये खेल मिले जुले रहे, पदक तो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन कई खिलाड़ियों खासतौर से महिला एथलीट्स के प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरी। आज इन सब बातों की चर्चा कवर स्टोरी में। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में हार गए। अब वो कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। साथ ही चारों तरफ चर्चा हो रही है भारतीय महिला हॉकी टीम की। टीम भले ही कांस्य पदक हासिल करने से चूक गई हो, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर टीम ने जो जज्बा दिखाया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर टीम से और कोच से बात की, उनकी हिम्मत बंधाई, साथ ही ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम की तारीफ की। टीम के कोच नेदरलैंड के सोड मायरन ने बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा से बात करते हुए कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, जिसके बाद उनके लिए स्थितियां जरूर बेहतर होंगी। हालांकि भारतीय कोच ने यह भी कहा कि उनका एसोसिएशन टीम के साथ अब यहीं तक का था और वो अपने परिवार के पास वापस जा रहे हैं। टीम की एक सदस्य निशा वारसी हरियाणा के सोनीपत से ताल्लुक रखती हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावे ने सोनीपत में उनके घर बात की निशा की माँ से। एक माँ के नाते आप फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करती थी, जब बच्ची को कभी आपने ये भी नहीं कहा कि अब छोड़ दो खेलना, अब हम नहीं कर पाए? ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं उसको, बस यही कहा कि बेटे अपने देश के लिए खेलो, अच्छा है अपने देश के लिए, जितना खेलोगे उतना नाम रोशन करोगे अपने देश का, और हम तो मेहनत करके मजदूरी करके तुम्हें कामयाब करना चाहते हैं। तुम अपने परेशानियां क्या क्या आई आपके साथ? परेशानियां तो सर, क्योंकि बच्चियां तो माँ से ज्यादा शेयर करती हैं, वो ज्यादा बताती हैं। परेशानियां तो बहुत आई थी, उसने तो बोल भी दिया था कि मम्मी देखो मैं छोड़ दूँ क्या करूँ, कुछ और काम देख लेंगे। मन का नहीं बेटा, किराए का घर है, कोई बात नहीं, हम किराया भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम अपना गेम मत छोड़ो, अपने पैर अपने जमा के रखो, हिम्मत मत हारो। इस साल के ओलंपिक कई कारणों से याद किए जाएंगे। सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, जिसके साये तले खेल के इस महाकुंभ का आयोजन हुआ था। डेल्टा वेरिएंट से बढ़ते मामलों के कारण 31 अगस्त तक टोक्यो समेत 5 इलाकों में आपातकाल घोषित किया गया। जब से खेल शुरू हुए हैं यहां संक्रमण के मामले 3 गुना हो गए हैं। खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। अमेरिकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने कई इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वो ट्विस्टीज से ग्रसित हैं। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर जिमनास्ट करते हैं और इसका मतलब होता है मानो समझने की क्षमता खत्म सी हो गई हो। एक हफ्ते बाद 24 साल की बाइल्स ने फाइनल इवेंट द बीम में हिस्सा लिया और अपने करियर का 7वां ओलंपिक मेडल जीता। उनकी कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा और यह बताया कि एक महान खिलाड़ी को भी किस तरह के दबाव से गुजरना पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक में एक और विवाद हुआ।
300 से ज्यादा एथलीट्स अपने देश के बजाय रूसी ओलंपिक कमेटी के तले इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि रूस पर डोपिंग के कई आरोप लग चुके हैं। पर इसके बावजूद रूसी एथलीट्स कई मेडल भी जीत चुके हैं। ये है रूस के भावी एथलीट जिनसे उसे ओलंपिक मेडल की उम्मीद है। इनका ध्यान अपने देश पर लग रहे डोपिंग के इल्जामों पर नहीं बल्कि अपना खेल बेहतर करने पर है। इन लड़कियों ने बताया कि जब रूसी जिमनास्ट ने गोल्ड मेडल जीता तो वो खुशी से कूदने लगी। रूसी टीम को झंडे और राष्ट्रगान के बिना प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ा। इसके बावजूद वो कईयों की प्रेरणा बने। आप हमसे हमारा झंडा और राष्ट्रगान छीन सकते हैं पर रूस को लेकर मोहब्बत नहीं। शायद ही कोई रूसी एथलीट हो जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। उनकी पूरी किट एक झंडे की तरह होती है। रूसी ओलंपिक कमेटी यानी ROC के लिए 330 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, और ये तब है जब 2014 में सोची में हुए विंटर ओलंपिक्स में रूस पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। पर येवगेनी जैसे पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी को लगता है कि रूस के लिए ये भारी कीमत है, क्योंकि इस घटना के बाद रूस की छवि बेहद खराब हो चुकी है। हम बस सफाई अभियान में जुटे हैं और दूसरे देश कहते हैं कि हम खेलों के मामले में ठीक नहीं हैं। ये गलत है। हम खेल को लेकर सालों से सावधानी बरत रहे हैं जिसके बावजूद दूसरे देश हमें गलत मानते हैं। रूस भी अपने आलोचकों को अब जवाब दे रहा है, लेकिन अपने अलग अंदाज में। यह रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, उनके दिए हुए एक बयान ने रूसी ओलंपिक कमेटी या ROC को एक हैशटैग में बदल दिया है। We will rock you. रूस से बेहद प्यार भरा संदेश। और अब मॉस्को की लेटेस्ट स्ट्रीट आर्ट को देखिए, जहां एक रूसी भालू ने कुश्ती में वर्ल्ड एंटी डोपिंग बॉडी वाडा को धूल चटा दी। इससे आपको यहां के लोगों का मूड पता चल जाएगा। डोपिंग के उल्लंघन को लेकर कोई खास अफसोस नहीं है, बल्कि यहाँ गुस्सा है और लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की जा रही है। रूसी अधिकारी मानते हैं कि खेल में डोपिंग एक समस्या है, पर वो ये नहीं मानते कि काफी फैला हुआ है और इसमें सरकार का हाथ भी है। ज्यादातर रूसी लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने रूसी एथलीट्स को निशाना बनाया है, पर वो एथलीट्स गलत काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने डोप नहीं किया और हमेशा से ही लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे और वो बेकसूर हैं, तब भी उन्हें सजा मिली। टोक्यो ओलंपिक्स में रूसी जिमनास्ट का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से इस क्लब में नए चेहरे जुड़े जो भविष्य में मेडल ला सकते हैं। रूस अब 2014 में सोची ओलंपिक में हुए विवाद से आगे बढ़ना चाहता है, पर काफी लंबा समय लगेगा दुनिया को ये भरोसा दिलाने में कि रूस की छवि अब बेदाग है। आयोजन शुरू होने से लेकर अब तक ये ओलंपिक कई मामलों में अलग रहे। इस बार के ओलंपिक में क्या खास रहा, टोक्यो से बता रही है बीबीसी संवाददाता जानवी मुले, और बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा बताएंगे भारत को अब किन इवेंट से उम्मीदें। टोक्यो 2020 गेम्स को इससे पहले हुए किसी भी ओलंपिक से काफी अलग ओलंपिक के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इनका आयोजन पैंडेमिक के टाइम में हुआ है। गेम शुरू होने से पहले काफ़ी लोग चिंता जता रहे थे कि शायद ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाए और इसीलिए किसी भी वेन्यू में स्पेक्टेटर्स को आने की अनुमति नहीं मिली थी। इस ओलंपिक में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा मेंटल हेल्थ। अमेरिका की जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने कुछ कॉम्पिटिशन से बाहर जाने का फैसला किया। उनके इस डिसीजन को किसी ने क्रिटिसाइज भी किया। इस ओलंपिक को ऐसे गेम्स के तौर पर भी जाना जाएगा जहां पर महिला खिलाड़ियों के सेक्सुअलाइज्ड इमेज का मुद्दा भी चर्चा में रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब जर्मनी की जिमनास्टिक्स टीम महिलाओं की जिमनास्टिक्स टीम कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उतरी और उन्होंने फुल बॉडी सूट पहनकर खेलने का डिसीजन लिया। महिला खिलाड़ियों की प्रतिमा कैसी बनाई जाती है इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। टोक्यो ओलंपिक्स अपने आखिरी चरण में है। आज स्टार रेसलर बजरंग पुनिया भी फाइनल की रेस से बाहर हो गए। सेमीफाइनल में उन्हें हाजी अलीयेव के हाथ हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से भी पदक की उम्मीद है। कई मुश्किलों के बावजूद हुआ ये ओलंपिक, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंदिर पर हमले के बाद अब किस तरह का है माहौल। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पाकिस्तान के रहीम यार खान में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद वहां के हिंदू परिवार डरकर इलाका छोड़ रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों लोगों ने यहां के एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। भीड़ ने एक हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगाया। इस इलाके में लगभग 80 हिंदू परिवार हैं। बीबीसी संवाददाता उमर दराज और फुरकान इलाही ने यहां के एक हिंदू परिवार से बात कर उनका हाल जानने की कोशिश की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान जिले में गुस्साई भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। भीड़ ने वहां के आसपास की कुछ सड़कों को भी बंद कर दिया। इलाके में रहने वाले नाबालिग पर कथित तौर पर ईश निंदा का आरोप है, जिसके बाद ये हमला हुआ। स्थानीय पुलिस के मुताबिक भोंग नाम का इलाका जहां ये हमला हुआ, वहां 80 हिंदू परिवार रहते हैं। हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा है कि हमले के बाद कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। इतने परेशान थे कि हमारे बच्चे जो ना वो भी महफूज नहीं थे। 8 बजे के बाद रेंजर आई है, उसने हमें हौसला दिया है। रेंजर ने जाके हमें सुकून की नींद दी है, बाकी पुलिस वालों से कुछ भी नहीं हुआ। हम तो सर घरों में बंद थे, बस्ती खाली हो गई है। जिला प्रशासन ने पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाकर स्थिति को संभाला है। पुलिस का कहना है कि अब इलाके की स्थिति काबू में है। कोई बच्चे का नाम लिया जा रहा था कि बच्चा, ये बच्चे ने ऐसा किया है, चोरी की है, कुछ ऐसे सुन रहे थे। बाद में फिर पता चला है कि जी जो ना उन्होंने बोल दिया कि ये जी बेहरमती की है उन्होंने, तो ऐसे करके उन्होंने बात किया। फिर कुछ लोग जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कच्चे से लोग बुलवा लिए, लोग बुलवा के उन्होंने जो है यहाँ पे मंदिर तोड़वाया, उनसे सीपैक बंद करवाया। हाल ही में स्थानीय मदरसे के प्रशासन ने पुलिस को चिट्ठी लिखी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक 8 साल के हिंदू बच्चे ने मदरसे के पुस्तकालय में पेशाब कर दिया। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लेकर ईश निंदा का केस दर्ज कर लिया था। बाद में बच्चे को जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि मंदिर पर हमले की जांच जारी है। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। जिस शख्स का जो किरदार है, जो उकसाने की हद में हो, जो लाने की हद पे हो, जो वहाँ पे कोई बलवा करने की हद पे हो, सबको इंशाल्लाह कानून अपने कटहरे के अंदर लेके आएगा। 3 मुकदमात इसमें दर्ज हुए हैं अब तक, और जिनमें मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं, मुख्तलिफ जराइम की इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। तमाम सिक्योरिटी अदारे इसके ऊपर यकसू हैं, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने हतमी बात की, जो समरी है, वो यही है कि मेरिट विल प्रिवेल और इंशाल्लाह अमन ओमान को कायम करने के अंदर अपना मुकम्मल किरदार अदा करें। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि इस हमले में किसी तरह की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। पंजाब की सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया है। पाकिस्तान सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस से इस मामले की एक मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है। तनाव बढ़ाने वाली इस घटना के बाद अब कैसा माहौल है, पाकिस्तान के राजनेता, न्यायपालिका और आम लोग इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरे। गणेश मंदिर पर हमले के 2 दिन बाद वैसे तो भूंग शहर में इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं, बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में अभी भी टेंशन मौजूद है। मंदिर जिस पर हमला किया गया था उसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है, लेकिन वो हिंदू फैमिलीज़ जो कि हमले की रात वहाँ अपने घर बार छोड़कर चली गई थी, अभी तक वापस नहीं आई हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी हद तक शहर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। मंदिर को अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स ने घेरे में लिया हुआ है, और पुलिस की और रेंजर्स की बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है अभी भी शहर में। इस अटैक की पाकिस्तान में बहुत आलोचना की गई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको कंडेम किया और ये यकीन दिलाया है, वादा किया है कि जो कोई भी इन्वॉल्व है इसमें उसको अरेस्ट किया जाएगा, और इसके अलावा अगर पुलिस की नेग्लिजेंस है इसमें तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिन्होंने के सू मोटो नोटिस लिया था अटैक पे, हियरिंग की, सू मोटो नोटिस की, बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा कि जिस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया सारी सिचुएशन को, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पुलिस ने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया, और इस पर भी गुस्से का इजहार किया कि एक 8 साल के हिंदू बच्चे को, जिस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने मदरसे की लाइब्रेरी को डेसिक्रेट किया है, उसको क्यों अरेस्ट किया गया, ये जानते हुए भी कि वो इतना कम उम्र है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है आईजी पंजाब को कि वो जो अटैकर्स हैं उनको अरेस्ट करें, और 13 अगस्त को अगली पेशी पे इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हालात काबू करने की लगातार कोशिश हो रही है, और एक ब्रेक के बाद जानेंगे, मिलवाएंगे आपको अस्तित्व के लिए जूझ रही जापान की गेशा कलाकारों से। मिलेंगे इनसे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। जापान की बात करने पर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद माउंट फूजी, सुमो पहलवान या फिर जापानी गेशा। गेशा वो कलाकार हैं जो अपनी कला से ग्राहकों का मनोरंजन करती हैं। जापान में गेशा का प्रदर्शन देखना शान की बात समझी जाती है। वक्त के साथ इस कला से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या वैसे कम होती जा रही है। बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने टोक्यो के फुकागावा गेशा डिस्ट्रिक्ट जाकर गेशा कलाकारों के जीवन पर नजर डाली। गेशा हमेशा से संगीतकार, डांसर और कलाकार रही हैं। उन्होंने अपनी कला से पैसा कमाया है, जिस्म से नहीं। गेशा 16वीं शताब्दी से ही जापान की कला और संस्कृति का अहम प्रतीक है, मगर अब ये अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। सयू की गेशा बनने वाली पहली गैर जापानी हैं। अब वो एक गेशा घर चलाती हैं और दूसरी युवतियों को ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन गेशा बनने के लिए आधुनिक दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। इन्हें कई महीनों तक गेशा घरों में रहना पड़ता है, जहां उन्हें वरिष्ठ या मदर गेशा से ट्रेनिंग मिलती है। रोज मेकअप करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। संवरने, गाने, नाचने और मेहमानों के मनोरंजन की प्रैक्टिस में लंबा समय लग जाता है। गेशा लोगों का मनोरंजन करने और ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कला सीखती हैं। परफॉर्मेंस के बाद मेहमान जापानी ड्रिंक पीते हैं, गेम खेलते हैं और गेशा से बात करते हैं। गेशा बनने के बाद सौंदर्य को लेकर मेरी समझ बदल गई। पहले मैं बाहरी सुंदरता को तवज्जो देती थी, मगर अब मैं अपनी आंतरिक सुंदरता को पहचानती हूँ। जापान में एक सदी पहले करीब 90,000 गेशा थी, आज देश भर में 1500 से भी कम है। गेशा का स्वर्णिम काल बीत गया, अब ये परंपरा है और शायद यही बनकर रह जाएगी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।